सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे से लोग हैं जिन्होंने राउंड टू में, राउंड थ्री में पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिन्होंने विड्रॉ का ऑप्शन चूज किया हुआ था। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद उनको कॉलेज पसंद नहीं आया और उन्होंने विड्रॉ ऑप्शन चूज कर लिया। तो बातें आती है कि राउंड टू वालों को, राउंड थ्री वालों को जो उन्होंने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया हुआ है, जो उन्होंने 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ है, उसका विड्रॉवल कब होगा, वो पैसे वापस कब आएंगे, कितने कितने वापस आएंगे, और क्या अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पैसे वापस आ चुके हैं। तो इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि किन किन स्टूडेंट के विड्रॉ होते हैं और कितने कितने होते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट मतलब विड्रॉ ऑप्शन चूज करता है, सिर्फ उसी का पैसा रिफंड होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज मिल चुका, आपको पसंद आ गया, आपने फ्रीज ऑप्शन चूज कर लिया और फ्रीज ऑप्शन चूज करने के बाद आपने 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट किया, तो इस कंडीशन में आपके पैसे रिफंड आएंगे। ऐसा नहीं होता है। पैसे रिफंड सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो विड्रॉ ऑप्शन चूज करते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी फ्रीज ऑप्शन चूज किया हुआ है, उनके पैसे रिफंड नहीं आएंगे। उनके जो पैसे होते हैं 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये, वो डायरेक्टली कॉलेज के फर्स्ट ईयर की फीस में ऐड हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में, इन दोनों राउंड में जिन्होंने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया हुआ है, उन्हीं के पैसे सिर्फ रिफंड होंगे। अब ये तो बात हो गया कि किनके रिफंड होंगे, अब बात करते हैं कि कितने रिफंड होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ था और दूसरे राउंड में आपने विड्रॉ किया हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर आपने 20,000 रुपये पहले राउंड में पे किए हुए थे तो आपके 15,000 रुपये आएंगे, और वहां पे अगर आपने 12,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ था तो आपके सेकंड राउंड में अगर आपने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया हुआ है तो आपके 9,000 रुपये वापस आएंगे। वहीं पर अगर आपने पहले में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था, दूसरे में भी किया, तीसरे में आपने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया, मतलब विड्रॉ ऑप्शन चूज करने से पहले आपने ऑलरेडी दो राउंड में किया हुआ था, तो इस कंडीशन में अगर आपने पहले राउंड में अगर आपने 20,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ था तो आपके 10,000 रुपये रिफंड आएंगे, और वहीं पर अगर आपने 12,000 रुपये का पेमेंट किया हुआ था तो आपके 6,000 रुपये रिफंड आएंगे। ये तो हो गया तीसरे राउंड के बारे में। वहीं पर अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ था, डायरेक्टली आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने सेकंड राउंड में 20,000 रुपये का पेमेंट किया था तो थर्ड में आपके आएंगे 15,000 रुपये, और अगर आपने सेकंड में आपने 12,000 रुपये का पेमेंट किया था तो थर्ड के लास्ट में जो आपने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया हुआ था आपके आएंगे 9,000 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने दो राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपके 5,000 रुपये कटेंगे, और अगर आपने तीन राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आपके 10,000 रुपये कटेंगे, इन कंडीशन अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। वहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से होते हैं और दो राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके 3,000 रुपये कटते हैं, तीन राउंड में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके 6,000 रुपये कटते हैं। खैर, इतना बहुत हो गया। अब बात करते हैं कि जो आपके विड्रॉ पैसे हैं वो कब आएंगे, कब तक आ सकते हैं, और क्या अभी तक किसी का आया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या अभी तक किसी का आया है। नहीं, अभी तक किसी का भी नहीं आया है। अभी मतलब क्या होगा ना कि आने से पहले एक पूरा का पूरा मतलब आएगा, मतलब आता है, अपडेट आता है यूपीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक पूरा का पूरा कोई लिंक आएगा या फिर पूरा का पूरा वहाँ पे पीडीएफ अपलोड किया जाएगा इससे रिलेटेड, इसके डेट और टाइमिंग से रिलेटेड कि कब आएगा, कैसे आएगा, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। अभी मतलब अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। अभी आने से पहले ना आपको बताया जाएगा, अपडेट आएगा यूपीटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे होगा, कोई लिंक आएगा, कोई पीडीएफ आएगा, वहाँ पे शो होगा कैसे कैसे, कब कब, कितना कितना, ये सभी चीज़ें वहाँ पे शो होंगी। और अभी तक किसी कभी नहीं आया है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। अब बात करते हैं कि कब तक आ सकता है। तो देखिए, 2019 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, इन सभी ईयर में क्या होता है ना कि जब आप विड्रॉ ऑप्शन चूज करते हैं ना तो उससे कम से कम 15 दिन के बाद ही आता है, उससे पहले तो नहीं आता है। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर एक महीने तो आप मान के चलिए, इतने दिन के भीतर भीतर आपका आता है। बहुत जल्दी आपका नहीं आ जाता है कि आपने तुरंत विड्रॉ ऑप्शन चूज किया तो 5 दिन के बाद आ जाएगा, 8 दिन के बाद आ जाएगा, 10 दिन के बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब भी विड्रॉ आएगा सबका आएगा, और लगभग वही आप मान के चलिए कि लगभग 2 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते के बीच में आपका पैसे रिफंड हो सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि राउंड टू वाले स्टूडेंट और राउंड थ्री वाले स्टूडेंट, जिन जिनने विड्रॉ ऑप्शन चूज किया हुआ था, तो दोनों राउंड वाले स्टूडेंट का एक साथ पैसे रिफंड होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए क्या होता है, वो तो यूपीटीयू कंफर्म करके बताएगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बट फिलहाल के लिए आप मानते रहिए कि अभी किसी का भी नहीं आया है, आप मतलब परेशान मत होइए, जब भी आएगा सबका आएगा, और उससे पहले आपको मतलब एक अपडेट दिया जाएगा, आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा, और फिर लगभग वही 2-3 हफ्ते के बाद, शायद 3-4 हफ्ते के बाद आपका आ जाए।